हम दो हमारे दो वाला छोटा सा परिवार। उस रात मकान के एक कमरे में सकुन और चैन की नींद सोया था, लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि इस काली रात को यह चैन की नींद बेचैन कर जाएगी। यह नींद अब कभी सुबह नहीं देखेगी। ठीक ऐसा ही हुआ गुरुवार के तड़के सुबह, जब परिवार सोकर उठ पाता है, इससे पहले ही नींद ने मौत का खेल खेलकर पूरे परिवार को अलविदा कर दिया। मामला जवाहर नगर स्थित चारबत्ती चौराहे का है। यहाँ ज्योतिपति दयाशंकर वर्मा के मकान के एक कमरे में झाबुआ के ग्राम पारा निवासी मोहन पिता शांतिलाल कहार अपने परिवार के साथ 3 महीनों से रह रहा था। मोहन जीप चालक था, जो 15 सालों से रतलाम में रहकर जीवन यापन कर रहा था। परिवार में 32 वर्षीय पत्नी शर्मिली, 11 साल का बेटा राजवीर उर्फ काना, 6 साल की बेटी इशिका थी। करीब 45 साल पुराने मकान की छत ने इस परिवार को मौत की नींद सुला दिया। महज किराए की लालच में भवन स्वामी ने जर्जर मकान किराए पर दिया, जो हादसों का कारण बना। वही निगम की नकारा और लापरवाही भी उजागर हुई। निगम ने शहर के जर्जर और खतरनाक मकानों को अब तक चिन्हित नहीं कर मौत का सौदागर ही बना हुआ है। शाम को जब 2 मासूम बच्चों के साथ माता पिता की अर्थियाँ एक साथ उठी, तो हर एक आँख में आंसू और व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश साफ झलक रहा था। जवाहर नगर में ही रहने वाली बुआ के घर शव वाहन से जब चारों लाशें पहुंची, तो हर तरफ सिर्फ चीख, मातम, मौन और आंसू ही थे। सारी रस्में शव वाहन में ही पूरी की गई। यहां से शव जवाहर नगर मुक्तिधाम पहुंचे, जहां चारों शवों को मृतक के भाइयों ने अंतिम विदाई दी। एक छोटे से आशियाने में मौत तो नाच ली और मोहन के परिवार का नामो निशान भी मिट गया, लेकिन परिवार में यादों के साथ देखते सवाल भी छोड़ गया। जो जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन से लेकर मकान मालिक तक का दोष बताकर अपने परिवार की मौत पर न्याय मांग रहा है कि यह हादसा भी किसी हत्या से कम नहीं है। जिला जेल में बलात्कार के मामले में 10 वर्ष की सजा काट रहा गेंदालाल कटारिया नाम का कैदी आज भाग निकला। यह घटना जिला चिकित्सालय में उस समय हुई जब उसे बेचैनी और घबराहट के कारण इलाज हेतु जिला चिकित्सालय लाकर जेल वार्ड में भर्ती किया गया था। कैदी के भागने के मामले में पुलिस स्टेशन रोड ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। यह घटना आज प्रातः करीब 10:30 से 11 बजे के मध्य की है। घटना की सूचना स्टेशन रोड पुलिस थाने को दी गई। पुलिस और सर्किट जेल के अधिकारी जिला चिकित्सालय पहुंचे, घटना स्थल को देखा। इस मामले में स्टेशन रोड पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक फरार कैदी गेंदालाल कटारिया निवासी बाजना पर 12 साल की बालिका के साथ बलात्कार के मामले में 10 साल की सजा हुई थी। वह सर्किल जेल रतलाम में सजा भुगत रहा था। वह 7 साल की सजा काट चुका था। फरार कैदी की तलाश में पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्रवाई भी की है, लेकिन अभी तक कैदी का कोई सुराग नहीं मिला है। शुक्रवार को शहर में सांची का दूध वितरण नहीं होने से घरों तक नहीं पहुंचा, जिससे सुबह से नागरिक परेशान होते रहे, जिन्हें दूसरे ब्रांड या खुला दूध लेना पड़ा। बताया जाता है कि शहर में 80 से अधिक सांची पार्लर और डिपो है, जहां प्रतिदिन 10,000 लीटर दूध का वितरण होता है। सागर रोड स्थित दूध संघ के प्लांट में 30,000 लीटर दूध आता है। रोज उज्जैन जाता है। रतलाम में ठेकेदार के माध्यम से दूध शहर में वितरण होता है। बताया जाता है कि ठेकेदार पार्लर संचालकों से रोज नकदी राशि ले जाता है। वहीं सिक्योरिटी के नाम पर 5,000 रुपये भी जमा है, लेकिन ठेकेदार ने दूध प्लांट में राशि जमा नहीं की। ठेकेदार के लाखों रुपए बकाया होने से प्लांट से दूध वितरण रोक दिया गया था। आज सुबह शहर के पार्लर संचालक प्लांट मैनेजर से मिलने पहुंचे और समस्या बताई। बताया जाता है कि दूध प्लांट में भी बिना सूचना दिए ठेकेदार बदलने की मनमर्जी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। शासन ने नकदी राशि जमा करने के आदेश दिए, लेकिन ठेकेदार और प्लांट प्रबंधन की लापरवाही से यह आदेश पार्लर संचालकों तक नहीं पहुंचा, जिससे दूध की किल्लत पैदा हुई। सांची पार्लर संचालकों और प्लांट मैनेजर श्री झा के बीच हुई चर्चा में तय किया गया कि आज से पार्लर संचालक ऑनलाइन प्लांट के खाते में ही राशि जमा करेगा और डिमांड भी ऑनलाइन ही देगा। पार्लर संचालक जनक नागल सहित अन्य संचालकों ने बताया, सभी जो लोग इकट्ठे हुए हैं, ये रतलाम में सांची दूध पार्लर के जो है डिपो संचालक पार्लर संचालक है, विषय ये बना है कि मध्य प्रदेश शासन की ओर से कल एक ऐसा आदेश आया है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो भी पार्लर संचालक है, डिपो संचालक है, ये एडवांस पैसे जमा कराएंगे और खाते में जमा कराएंगे, वो भी ठेकेदार के खाते में, तो ही इनको दूध मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये आदेश
कई लोगों को आज सुबह तक मालूम नहीं पड़ा कि इस तरीके का कोई आदेश शासन का आया है। डेयरी प्रबंधक द्वारा जो है बताया जा रहा है कि हमने सूचना दी, बाकी यहाँ जितने भी शहर के अधिकांश डिपो संचालक है उसमें से मुश्किल से एक या दो व्यक्ति ऐसा है जिनके पास ये आदेश पहुँचा है, वो भी कल शाम को रात को 8 बजे 9 बजे तक पहुँचा है। तो ऐसी स्थिति में आज जो दूध मिलना था शहर को वो दूध नहीं मिल पाया है और दूध शहर में बटा भी नहीं है, और उसी को लेके सारे पार्लर संचालक जो है आज मैनेजमेंट से बात करने के लिए आए थे। मैनेजर जो है झा साहब से इस विषय में चर्चा हुई है और देवेंद्र जी शर्मा जो बाहर इसमें दूध संघ के अंदर जो है इलेक्टेड उपाध्यक्ष भी है उनसे भी हमारे इस विषय में बात हुई है। उन्होंने जो है प्रमुख सचिव का बताया कि प्रमुख सचिव ने आर्डर निकाला है, तो इस विषय में हम उनसे भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है तो कलेक्टर या विधायक जी के माध्यम से भी जो है इन डिपो संचालकों की बात जो है हम शासन तक पहुंचाएंगे कि इस तरह का जो हिटलर सारी ये आदेश है उसको बंद किया जाए। दूसरी बात है ठेकेदार कब चेंज हो जाता है ये किसी को भी मालूम नहीं पड़ता है, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 4 महीने में ठेकेदार आता और चले जाता है। वो सारे पार्लर के ऐसे संचालक है जिनके वो पैसे खा के निकल गए। तो ये जो यहाँ मैनेजर कह रहे हैं कि आप पैसा ठेकेदार को दें, तो इस विषय पे भी हमारी मैनेजर साहब से चर्चा हुई है कि डिपो संचालक जो है वो पैसा सीधा सांची को जमा कराएंगे और सांची को जमा कराने के माध्यम से जो भी डिमांड है वो भी सांची को ही जमा कराएंगे, और सांची में जमा कराने के बाद ठेकेदार उस चीज को जो है इसके हिसाब से जो है इनको दूध सप्लाई करेंगे। जिला शिक्षा केंद्र में प्रतिनियुक्ति देने का मामला अब गर्माता जा रहा है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने जिला परियोजना समन्वयक को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि अपात्र एवं 4 वर्ष पूर्ण होने पर प्रतिनियुक्ति समाप्त कर पात्र कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति देना चाहिए। सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि रिक्त रहे पदों पर बिना प्रतिनियुक्ति समिति की बैठक के बिना सीधे सीधे कार्य सुविधा की दृष्टि से आदेश जारी कर नियमों के विपरीत कार्य किया गया है। संघ अध्यक्ष सर्वेश कुमार माथुर ने बताया। आज हमने जिला शिक्षा केंद्र रतलाम पर उपस्थित होकर परियोजना समन्वयक अमर कुमार प्रधानी को एक ज्ञापन सौंपा है, इसमें शिक्षकों की अनेक मांगे हैं। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षकों को 4 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है, उन्हें मूल विभाग में राज्य शासन के निर्देशन का वापस भेजा जाए। जो शिक्षक बैक बोर्ड एंट्री से सीधे सीधे कार्यालय से आदेश प्राप्त करके कार्य कर रहे हैं उन्हें बिना प्रतिनियुक्ति समिति के समक्ष लाए हुए वो कार्य कर रहे हैं, अपात्र हैं, उनको मूल विभाग में भेजा जाए। 15-15, 20-20 साल से जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनकी सेवाएं मूल विभाग में अनिवार्य तौर पर वापस की जाएं। कई शिक्षक ऐसे हैं जो कि SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय, जनपद पंचायतों में कलेक्टर कार्यालय या अन्य कार्यालयों में संलग्नीकृत हैं, जबकि वे मूल विभाग शिक्षा विभाग या आदिम जाति कल्याण विभाग से वेतन लेते हैं। उनकी सेवाएं यदि मूल विभाग में वापस नहीं की जाती हैं तो उनका वेतन आहरित ना किया जाए और जब तक वो वापस ना आए, क्योंकि इससे बच्चों का अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। लॉकडाउन खुलने के बाद जिंदगी पटरी पर दौड़ पड़ी है, लेकिन अब भी लोग परेशान हो रहे हैं। पूरे जिले में सिर्फ 5 आधार केंद्र चालू है, जिसकी वजह से आधार केंद्र के बाहर लोगों की लंबी भीड़ जुट रही है। बैंक के कामकाज और अन्य पंजीयन के लिए भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है, जिसके लिए लोग काफी परेशान हो रहे हैं। अंचल के रावटी क्षेत्र में सेंट्रल बैंक के बाहर दिन रात नोटबंदी जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ग्रामीण काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मजदूर लोगों के साथ ग्रामीणों के आधार ना तो बैंक से सही समय पर लिंक हो रहे हैं और ना ही उनमें सुधार हो पा रहा है। इनमें काफी समय लग रहा है, जिसके चलते मजदूर दिन दिन भर खड़े रहते हैं और नंबर नहीं आने के कारण अब बैंक के बाहर ही रात को सोने को मजबूर हो रहे हैं। कुछ मजदूर तड़के ही आकर लाइन में लग जाते हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों का कहना कि बैंक की कार्यशैली भी ठीक ठाक नहीं है। रतलाम जनपद पंचायत में स्थित आधार सेंटर पर भी भीड़ का नजारा दिखता है। रोजाना सुबह से ही लोगों की भीड़ जुट रही है। रोजाना सिर्फ 50 आधार कार्ड बनाए और अपडेट किए जा रहे हैं। लोगों को टोकन देकर बाद में आने को कहा जा रहा है। अभी फिलहाल 30 जून तक लिए टोकन बुक हो चुके हैं। तो नाइट में सोने की क्या जरूरत है? तो नंबर लेके क्या करना, 2-3 दिन हो गया गाड़ी करके ही नहीं। खाना वगैरह कहाँ खाया फिर आपने? बस सुबह लाया था, जल्दी औरत उठी थी, रोटी कर दी थी जल्दी।
तो अभी ठंडी खाई सुबह की। तो बैंक तो 9 बजे से 5 बजे तक खुली रहती है। सुबह से 9 बजे तक लागे दिया, 2 बजे तक बैंक बंद हो गई। 2 बजे बैंक बंद कर दिया, पैसा मतलब लिदा दिलिंग बंद कर दिया फैक्ट्री। उसके बाद अंदर किसी को नहीं लिया? किसी को नहीं लिया। अब नाइट भर यहीं सो गए? बस यहाँ सो गए, कहाँ सोएंगे अभी। क्या आधार कार्ड के लिए कितने लोगों का रोज आधार कार्ड अपडेट और बनाया जा रहा है? सर लगभग अपन 50 बना रहे हैं अभी रोज। 50 का टोकन है वो लोग। हाँ, प्रतिदिन टोकन कितने दे रहे हैं? प्रत्येक दिन नहीं दे रहे हैं सर, क्योंकि 3 दिन में 1 दिन बांट रहे अपन, 3 दिन के टोकन 1 दिन में। आज तो अपन ने ज्यादा बांट दिए, लोग ज्यादा थे सभी को टोकन दिए आज। एक आधार कार्ड को अपडेट करने में कितना टाइम लग रहा है? एक आधार कार्ड को सर करने में करीबन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। अभी लाइट बंद हो गई है, लोग बाहर खड़े हुए हैं। लाइट बंद है तो पेंडिंग है काम, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। ये कितने बजे चालू होता है सुबह और बंद कितने बजे होता है? सुबह सर हमारा 10 बजे का टाइम है, 10 बजे चालू करते थे और रात को 6 बजे तक चलता है।